गर्ल्स डोरी ब्लाउज की जिसमें डोरी होती है आपको इसे अपने ब्लाउज में नहीं बनवाना चाहिए आपको अवॉइड करना है बट अगर आपको पसंद है तो आप उसे थोड़े डिफरेंट तरीके से बनवा सकते हो गर्ल्स जो थोड़ी डिजाइनर स्टाइल में हो में हो और अच्छी लगती हो आप ऐसी डोरी के साथ टेसल की डिटेलिंग भी रख सकते हो बट आप सिंपल डोरी को भी मत लगवाइएगा क्योंकि अब वो भी बहुत ट्रैकी लगता है गर्ल्स और हाँ ये जो जिग्जैक वाली डोरी होती है ना आपको इसे भी नहीं बनवाना चाहिए क्योंकि ये भी अब आउट ऑफ फैशन है गर्ल्स और बहुत ज्यादा ट्रेकि लगती है मैं प्रेफर करूंगी की थोड़े डिफरेंट तरीके से लगवा जो कि मेरे चैनल पे लास्ट वीडियो में मैंने डिजाइनर डोरी ब्लाउज में डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल में आपको बताया है गर्ल्स और वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी बट बहुत सी गर्ल्स के साथ ये इश्यू हो जाता है की उनके ब्लाउज के शोल्डर गिरते रहते हैं तो उनके लिए वो डोरी को मजबूरी में लगवाती है गर्ल्स तो वो डोरी को न लगवा कर आप इस तरीके से लेस पट्टी को भी लगवा सकते या फिर आप कुछ ऐसी नेक स्टाइल बनवा सकते हो जिसमे डोरी की जरूरत ही ना हो तो आपको को आपको ऐसे ब्लाउज को अवॉइड करना है जिसमें ब्लाउज की डिजाइन में बहुत ज़्यादा लेस की डिटेलिंग होती है गर्ल्स आपको ऐसे ब्लाउज को नहीं पहनना है और नहीं बनवाना है क्योंकि ये बहुत ही ट्रैकी और ओवर आउट फैशन लगता है उसकी प्लेस पर आप ऐसे सिंपल एंड सोवर ब्लाउज को कैरी कर सकते हो गर्ल्स जो कि कभी भी ओवर आउट फैशन नहीं होता है और आपके लुक को भी इन्हांस करता है नेक्स्ट है कटआउट वाले ब्लाउज बहुत ज़्यादा ट्रेंड में आया था बीच में इस तरह के कटआउट वाले ब्लाउज स्लीव पे कट आउट ये भी बहुत ज़्यादा ट्रेंड में आया था गलत आप उसे री भी कर सकते हो क्योंकि सबके पास है बट आगे के लिए मैं आपको गाइड कर रहा हूँ आपको ऐसे कोल्ड शोल्डर वाले कट स्लीव वाले ब्लाउज भी और जो नेक के पास भी कट होते हैं ना आपको ऐसे ब्लाउज को बिल्कुल अवॉइड करना है ये अब बिल्कुल भी ट्रेन में नहीं है गलत तो आप आगे से कोई भी न्यू ब्लाउज बनवाएं तो आप ध्यान रखें और नहीं बनवाएं नेक्स्ट जो बिल्कुल ही आउट ऑफ स्टाइल हो गया है गर्ल्स वो है हाफ स्लीव वाले ब्लाउज जो कि बिल्कुल शोल्डर और एल्बो के मीट आती है वो वाले ब्लाउज आप अवॉइड कीजिए या फिर आप बिल्कुल स्लीवलेस रखो गर्ल्स या फिर एल्बो रखो या फिर आप फुल स्लीव रखो जितना आपको चाहिए बट आपको हाफ स्लीव को टोटली totally अवॉइड करना है ये वाले ब्लाउज आउट ऑफ फैशन जो है ही प्लस ये आपके बॉडी फिगर को भी शॉर्ट दिखाएगा और आपके ऊपर एरिया को बल्कि दिखाएगा गर्ल्स सो अवॉइड दिस टाइप ऑफ स्लीव एंड गो फॉर स्लीवलेस एल्बो स्लीव वन थर्ड स्लीव एंड फुल स्लीव नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ स्टेपी नेकलाइन वाली ब्लाउज की तो अभी वो बहुत ज्यादा ट्रेंड में है गर्ल्स बट एक गलती हम हमेशा इसके साथ कर देते हैं स्टेपी नेकलाइन को सही तरीके से नहीं दिया गया ना ब्लाउज में तो ये एक अंडर गार्मेंट वाली लुक दे देती है ब्लाउज में स्पेशली इस तो इसीलिए आपको ब्लाउज की लेंथ को बहुत ज्यादा शॉर्ट नहीं रखना है क्यूँकी वो बहुत ज्यादा शॉर्ट न लगे और जो स्टेप है वो थोड़े से चौड़े हो मीन्स वन से वन इंच और ये भी हो की वो बाहर के साइड हो आपके इनर साइड ना हो गर्ल्स कि वो अंदर की साइड होगा तो वो ब्रा वाला लुक देगा सो गो फॉर थोड़ा सा लेंथ में बड़ा हो स्ट्रैप हो थोड़ा सा थीक हो अंडर वाला लुक ना दे तो तभी वो परफेक्ट लुक देगा गर्ल्स आपको नाउ एंड लास्ट जो अभी आउट ऑफ स्टाइल नहीं है गर्ल्स बट मैं ये बोलूंगी आप उसे अवॉइड करो एम्ब्रॉयडरी ब्लाउज को ट्रेन में है बट एम्ब्रॉयडरी की प्लेसमेंट वो सही प्लेस पे होनी चाहिए गर्ल्स क्योंकि स्टिचिंग के बाद जब आप उसे पहनते हो तो बहुत बल्कि लुक आता है सो मेक श्योर आपके ब्लाउज में एम्ब्रॉयडरी की प्लेसमेंट इस तरह से हो आपकी फिटिंग में कोई डिस्टर्ब ना हो गर्ल्स आपके ब्लाउज स्लीव बैक साइड फ्रंट साइड में बट वो बस्ट एरिया और ब्लाउज के साइड में जहाँ साइड फिटिंग होती है ना वहाँ पे ना हो क्योंकि उससे आपकी डिस्टर्ब होती है सो so गर्ल्स मेरी ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो तो लाइक कमेंट एंड शेयर करना मत भूलिए। और अगर आपको कोई भी क्यूरी हो आप मुझे कमेंट कर सकते हो थैंक यू फॉर वॉचिंग लव यू अल्पा बाय